माई मेरे श्याम लगो संग लो। कि उस काल में सुख हमें मिले इसकी खोज महापुरुषों को थी और सुखी हो गए। अरे बुद्ध ने जो प्रयास किया उसके प्रयास के पीछे क्या था? बुद्ध का प्रयास क्या था? दुख रहित होने का प्रयास। और उसमें भी सफल हुए कि नहीं हुए? उनके दुख की निवृत्ति हो गई। एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसे मैं दुख रहित हो गया वैसे ही मेरी विचारधारा को आत्मसात करके तुम भी दुख रहित हो सकते हो। प्रमाणित कर दिया उन्होंने। वृद्ध को देखकर, रोगी को देखकर, मृतक को देखकर कि तो उनको वैराग्य हुआ था और मैं दुख से छूटने के यत्न में लग गए, दुख छूट गया। तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा तो दुख रहित हो गए, वो भी सुख की तलाश में ही थे। पर आज का जो भौतिक विज्ञान है इसके भी सारे प्रयास सुख प्राप्ति में ही हैं। लेकिन ये जितना शोध करता चला गया उतना अधिक दुखी होता चला गया, उतना अधिक परतंत्र और पराधीन होता चला गया। और इस सुख की विचारधारा का भयंकर दुष्परिणाम पूरे विश्व के विकृत पर्यावरण के रूप में सामने उपस्थित है। पूरे प्रकृति पर्यावरण को इसने विषैला बनाया। क्यों बनाया? सुखी होने के लिए। सुखी हुआ, उसी का भयंकर दुष्परिणाम ये जो पूरी दुनिया भोग रही है उसी का दुष्परिणाम है। और ऐसा नहीं करेंगे तो इसका दुष्परिणाम आगे भी भोगना पड़ेगा। हम लोगों में पहले जो क्षमता थी अब वो क्षमता नहीं है। कहाँ चली गई क्षमता हमारी? पंच तत्व से पहले भी शरीर निर्मित था, अब भी पंच तत्व से ही निर्मित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यही इस प्रकृति जगत में है और ये पिंड शरीर भी उसी का है। हमारी क्षमताओं को भी सुख की कामना ने कमजोर कर दिया। अब हमने ठंडी सह सकते ना, हम गर्मी सह सकते और ना भूख प्यास सह सकते, कुछ सह सकते हैं? और उस युग में हम सब सह लेते थे, अब नहीं सह सकते, हम खुद नहीं सह सकते, शरीर ऐसे हो गए। जहां सुख है ही नहीं वहां सुख की तलाश की जा रही है। कहां से मिलेगा भाई? वस्तु वहां हो तो खोजने से मिलेगी, और वस्तु का अस्तित्व ही वहां नहीं है तो खोजने से मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता। हम भौतिक चिंतन त्याग कर अपने चिंतन की धारा अंतर्मुख करें। अध्यात्म माने क्या होता है? अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? आत्मनि अधि इति अध्यात्मम, आत्मनि अधि इत्यध्यात्मम। जो आत्मा को लेकर के जो चिंतन है वह अध्यात्म है। और वह आत्मा श्री रघुकुल वीर श्री रामचंद्र ही सबके प्राण प्रिय आत्मा है। प्राण प्राण के जीवन जी के, तो उन श्री राम जी से विमुख जब तक तू बना रहेगा तब तक तेरा दुख मिटने वाला नहीं है। तू चाहे दुख रहित होने के करोड़ों उपाय क्यों न कर ले। माई मेरे
श्याम लग्यो संग।